महान कमीने लोगों को जो धर्म के नाम पर धर्म को जिस तरह से देखिए वो महान घटिया किस्म का आदमी है। नीतीश कुमार की तो कोई औकात नहीं है। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जनता से भी मैं आग्रह करूंगा कि इनको सरेआम जहां से भी निकले इनको जो है दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए, पीटना चाहिए। बीजेपी की बैठक चल रही है चुनाव को लेकर के, लेकिन बिहार में जो है सियासत वो तेज है। सियासत तेज की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा बीतते ही बयान आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। फतेह बहादुर सिंह की तरफ से एक बयान आता है, जो डेहरी से विधायक हैं, वो उनका बयान आता है। बयान में ये कहा जाता है जो दुर्गा पूजा या देवी जो हुआ है दुर्गा पूजा ये सब करना जो है फिजूल खर्ची के समान बराबर है, कैसे देखते हैं? देखिए वो महान घटिया किस्म का आदमी है और ऐसे महान कमीने लोगों को जो धर्म के नाम पर धर्म को जिस तरह से बेहुदापन बात करके अपने को ख्याति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, पब्लिक भी इस बात को समझती है कि ऐसे बेवकूफ़ों को जो विधायक बनाने के बाद पछता रही होगी कि ऐसे लोग जो सनातन के खिलाफ, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे पर्व त्यौहार पूजा पद्धति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हम उनकी उत्पत्ति पर उनकी नीतीश कुमार की तो कोई औकात नहीं है, ये कहाँ से जवाब देंगे? व्यक्ति कोई अपनी उत्पत्ति के बारे में कहाँ से सवाल खड़ा करने का, कौन होते हैं? इनको क्यों कौन धर्म का ठेकेदार बना दिया, इनको विधायक बना दिया, चार और मनुवादी चीज़ें, मनु कौन थे उनको जानकारी नहीं है, मनु के बारे में उनको जानकारी नहीं है, अब मनुवादी क्या होता है? ऐसे ही लोग मनुवादी हैं, यही लोग मनुवादी हैं जो जो हमारे आस्थाओं को, हमारे धार्मिक भावनाओं को खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जनता से भी मैं आग्रह करूंगा कि इनको सरेआम जहां से भी निकले इनको जो है दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए, पीटना चाहिए, इनको कहीं से भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग धार्मिक भावनाओं के साथ जो खेल कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं के साथ जो ठेस पहुँचाने के कर रहे हैं, इनको निश्चित रूप से इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, और नीतीश कुमार की तो कोई औकात नहीं है, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को जो भारत के हिंदू समाज को एक ठेंगा दिखाते हुए, भारत के हिंदुत्व को ठेंगा दिखाते हुए, भारत में देवी देवताओं को ठेंगा दिखाते हुए ऐसे अनर्गल बयान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सजा, एकमात्र सजा है कि इनको जो है पब्लिक द्वारा कोई भी ऐसा माने हर चौराहे चौराहे इनको दंड देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को इस पर कार्रवाई करना चाहिए? तेजस्वी यादव को ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि या तो उनके समर्थक है, क्योंकि उनका तो मानसिकता ही नहीं समझ में आता है। ये लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हिंदू अपने फिर बाद में मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, अपने को कृष्ण भक्त कहते हैं, अपने को राम भक्त कहते हैं, बाद में चल करके देवी देवताओं को इस तरह से खिलवाड़ के रूप में, देवी देवताओं को इस तरह से हमारे आस्थाओं पर आस्था पर खेल चोट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी थे जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी में इनसे बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय जरूर रखिए। सभी सुनू के साथ हम सुझा बीजेपी पटना। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।